अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाइपिंग एक्सपेंशन लूप। आज की वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइपिंग एक्सपेंशन लूप क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो पर्पस ऑफ एक्सपेंशन लूप, रूल ऑफ थंब फॉर एक्सपेंशन लूप, 2D एंड 3D एक्सपेंशन लूप, थर्मल एक्सपेंशन कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द पाइपिंग एक्सपेंशन लूप, हाउ एक्सपेंशन लूप आर वर्क एट साइट, now the sizing of the expansion loop, calculation of the expansion loop and thermal expansion calculation, sizing of the expansion loop, next advantage of the expansion loop and disadvantage of the expansion loop. Now going to main topic of first point of the purpose of piping expansion loop. The expansion loop are used in the piping system. Piping system mein use karte hain to absorb the thermal expansion and contraction. क्यों हम लोग यूज़ करते हैं वो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो क्या होता है कि उससे प्रिवेंटिव ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन द पाइप, जो पाइप के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए वो हम लोग पाइपिंग एक्सपेंशन लूप यूज़ करते हैं। तो एक्सेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है बिकॉज ऑफ पाइप का टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। When the pipe are exposed to temperature variation, वो temperature variation होता है, they expand or contract, मतलब वो line या तो expand होगा वो contract होगा, which can be lead to stress, जिसकी वजह से line के अंदर stress generate हो जाता है। Expansion loops are provide the flexibility to the changes, flexibility accommodate these changes, मतलब कहने का मतलब जब आप expansion loop provide करेंगे तो line में जो temperature difference की वजह से contraction या expansion की वजह से जो thermal expansion होता है, thermal expansion and contraction की वजह से जो stress generate होता है उस stress को absorb करने के लिए expansion loop का use किया जाता है। This is the basic detail about the expansion loop. Now I am talking about the thumb rule of the expansion loop. Rule of thumb, the expansion loop should be ideally to locate in the center of between two anchor. मतलब जब आप expansion loop locate करेंगे तो between two anchor के बीच में उसको locate करेंगे. These expansion loop anchor. Okay, the height of the expansion loop is generally twice of the width. जितना width होगा उसका twice जो है वो height होगा. The height of the expansion loop is generally twice of the width. That is the thumb rule. And I am not talking about 100% this one is follow, but this one is a thumb rule. Exception. कुछ exception भी है. When the multiple line run parallel in the common trench, adjust this line maybe. रूल में भी नीडेड, जब आप मल्टीपल लाइन को एक ही साथ में लूप जनरेट करें, जैसे पाइप रैक पे हम एडिशनल स्ट्रेस, एडिशनल स्ट्रक्चर जनरेट किया जाता है यहाँ, तो उसमें मल्टीपल लूप एक ही प्लेस पे दिया जाता है। तो इसमें थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्शन, व्हेन द मल्टीपल लाइन रन इन द पैरेलल इन द कॉमन ट्रेंच द एडजस्टमेंट टू दिस रूल मे बी नीडेड। मतलब ये रूल में कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, जब आप पाइप रैक के ऊपर जो एक ही जगह पे सब लाइन का जो लूप एक्सपेंशन लूप का पैटर्न बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। 2D एंड 3D एक्सपेंशन लूप, 2D एंड 3D, 2D एक्सपेंशन लूप सूटेबल फॉर द स्लोप लाइन एंड द सिस्टम टू फेज फ्लो, एग्जांपल स्टीम और फ्लैर लाइन। टिपिकली द फ्लैट लूप ऑन वन प्लेन, ये जो है फ्लैट लूप ऑन वन प्लेन, मतलब ये फ्लैट लूप में रहता है। 2D एक्सपेंशन लूप सूटेबल फॉर द स्लोप लाइन एंड द सिस्टम टू फेज फ्लो लाइक स्टीम लाइक फ्लैर लाइन्स। ओके, टिपिकली ए फ्लैट लाइन, फ्लैट लूप इन वन प्लेन, इसमें क्या है वन प्लेन में फ्लैट लूप रहता है। 3D एक्सपेंशन लूप लूज वेयर देयर इज नो टू फेज फ्लो, वैसे लाइन में यूज करते हैं जिसमें टू फेज फ्लो नहीं हो, एंड स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल प्लेन्स प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल थ्री डायमेंशन। 3D लूप का मतलब है कि वो थ्री डायमेंशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड। नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लूप कैलकुलेशन। थर्मल एक्सपेंशन लूप कैलकुलेशन मीन्स calculation from the linear thermal expansion, delta L is equal to alpha into L into delta T.
where the alpha where the delta l is equal to change in length, means आपके length में कितना changes हुआ है expansion और contraction के बाद. ये अल्फा अल्फा जो है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वेरियस विद मटेरियल, ये एक चार्ट से आपको प्रोवाइड होगा कोफिशियंट. नाउ द लेंथ, लेंथ इज मीन्स ओरिजिनल लेंथ अगर 300 है हमारा पाइप का, 300 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30 डिग्री सी टू 60 डिग्री सी, मीन्स 30 डिग्री सी टेम्परेचर डिफरेंस है. तो डेट इज द बेसिक डिटेल ऑफ द फॉर्मूला that delta L is equal to alpha into L into delta T. That means is delta L how much length changes, हमको यहाँ पे length का change निकालना है. That alpha is equal to coefficient and L is equal to original length, delta T temperature difference. Now the formula of expansion, expansion का हम कितना expansion हुआ, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू ए इंटू डेल्टा टी यूज फॉर द एक्सपेंशन इफेक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए. यह है फॉर्मूला फॉर एरिया एक्सपेंशन, वहाँ पे कितना एरिया एक्सपेंड किया. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द पाइपिंग एक्सपेंशन लूप. पाइपिंग एक्सपेंशन लूप का इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है रिड्यूस सिस्टम स्ट्रेस, वो सिस्टम स्ट्रेस को रिड्यूस करता है. लिमिट ऑफ थर्मल डिस्प्लेसमेंट, थर्मल डिस्प्लेसमेंट को लिमिट में रखता है. एंड कंट्रोल द सपोर्ट लोड, सपोर्ट के लोड को कंट्रोल करता है. एक्सपेंशन लूप एंड यूज्ड इन द हाई टेम्परेचर पाइपलाइन लाइक गैस वेल फ्लो लाइन एंड वाटर इंजेक्शन लाइन वेयर द थर्मल एक्सपेंशन कैन कॉज द सिग्निफिकेंट मूवमेंट. जहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कुछ मूवमेंट हो सकता है वैसे लाइन में, और हाई टेम्परेचर लाइन में ऑयल एंड गैस में बेसिकली यूज होता है. हाउ एक्सपेंशन लूप वर्क्स, मतलब एक्सपेंशन लूप कैसे वर्क करता है. लूप आर नॉर्मली यू शेप्ड एंड जेड शेप्ड और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, दिस टाइप में यू शेप्ड और जेड शेप्ड और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में होता है. बाय एडिंग द परपेंडिकुलर लेग, उसमें परपेंडिकुलर लेग प्रोवाइड करते हैं टू द मेन पाइप. दे अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द स्ट्रेस, वो अलाउ करता है रिड्यूस को स्ट्रेस को रिड्यूस करने में. द परपेंडिकुलर लेग लेंथ हेल्प टू एब्जॉर्ब द थर्मल मूवमेंट, जो परपेंडिकुलर लेग हमारा रहेगा उसमें वो जैसे लाइन इस टाइप से आके परपेंडिकुलर लेग जाके फिर वो, तो क्या है कि वो लेग जो है वो एब्जॉर्ब करता है थर्मल मूवमेंट को. टाइप ऑफ एक्सपेंशन लूप्स, यहाँ पर कितने टाइप के एक्सपेंशन लूप होते हैं, तो टिपिकली इधर सिमेट्रिकल लूप प्लेस्ड इन द सेंटर बिटवीन टू आर्क्स, सिमेट्रिकल लूप एंड नॉन सिमेट्रिक लूप. सिमेट्रिक लूप क्या है, सिमेट्रिक लूप्स है प्लेस्ड एट द सेंटर बिटवीन टू एंकर, दो एंकर के सेंटर में प्लेस किया जाता है. एब्जॉर्बिंग इक्वल एक्टिकल लूप्स प्लेस्ड इन द सेंटर बिटवीन टू एंकर, दो एंकर के सेंटर में सिमेट्रिकल लूप प्रोवाइड करते हैं. एब्जॉर्बिंग इक्वल एक्सपेंशन फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में इक्वली स्ट्रेस को रिड्यूस करता है फॉर बोथ डायरेक्शन में. ओके, नॉन सिमेट्रिकल सिमेट्रिक लूप में नॉन सिमेट्रिकल सो अनइक्वल लेग रहेगा इसमें. यूज व्हेन द कॉन्सेंट्रिक सेंटरिंग इट्स फिजिबल, नॉन सिमेट्रिक लूप में अनइक्वल लेग्स यूज व्हेन द सेंटरिंग इज नॉट फिजिबल. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू यूज द मल्टीपल एक्सपेंशन नीडेड व्हेन व्हेन द ब्रांच कनेक्शन आर फिजिबल इनफ, स्पेस लिमिटेड बिटवीन ब्रांच एंड सपोर्ट लूप साइज बिकम टू लार्जर एंड अवेलेबल द स्पेस थर्मल डिस्प्लेसमेंट एक्सीड द अलाउबल स्ट्रेस. नाउ आई गोइंग टू टॉकिंग अबाउट साइजिंग ऑफ द एक्सपेंशन लूप के बारे में बात करेंगे, इसका कैलकुलेशन देखते हैं. साइज ऑफ द एक्सपेंशन लूप, अगर हम साइजिंग ऑफ द एक्सपेंशन लूप की डिफाइन करें कि साइज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. साइजिंग ऑफ द एक्सपेंशन लूप, साइजिंग ऑफ द एक्सपेंशन लूप मीन्स एल इज इक्वल टू रूट 3 ई डी डेल्टा डिवाइडेड बाई एस. द प्रिमिनरी फार्मूला इज एस्टिमेटेड टू रिक्वायर द एब्जॉर्बिंग लेग. मैंने आपको लेग के बारे में बात किया था, जो लेग हम लोगों का जो परपेंडिकुलर लेग हमारा रहता है परपेंडिकुलर लेग उसके एब्जॉर्बिंग लेग बोलते हैं. तो एब्जॉर्बिंग लेग का एल, हमको एल का उसका लेंथ आइडेंटिफाई करना है. तो एल इज इक्वल टू वेयर एल इज इक्वल टू एब्जॉर्बिंग लेग लेंथ.
लेंथ कितना हो गया एब्जॉर्बिंग लेग का। नेक्स्ट है ई, ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इसका एक टेबल आता है उसमें से आपको ई की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और डी यहाँ पे डी जो है ये डी है पाइप ओडी, ओडी ऑफ द पाइप। एस, एस क्या है अलाउबल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम टेम्परेचर, उस पाइप के ओडी का जो पाइप मटेरियल है उसका अलाउबल स्ट्रेस कितना होगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब तो इतना टेम्परेचर पे आपको कितना स्ट्रेस वो जनरेट कर करती है। डेल्टा मतलब थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा, मैंने थर्मल एक्सपेंशन की एक बात की तो नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द साइजिंग ऑफ द एक्सपेंशन लूप एंड एक्सपेंशन लूप थर्मल एक्सपेंशन इज कैलकुलेशन, ये दिस फॉर्मूला इज डिफाइंड हाउ मच थर्मल एक्सपेंशन इन द दैट एडवांटेज ऑफ द एक्सपेंसिव लूप। अगर एडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सिंपल डिज़ाइन है इसका, ईजी टू इंस्टॉल है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। डिसएडवांटेज में क्या है, रिक्वायर्ड एडिशनल स्पेस, इसमें एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने कहा कि स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, और नॉट फिजिबल वेयर द स्पेस इज कॉन्ट, जहाँ पर स्पेस कम है वहाँ पर फिजिबल नहीं है। तो अगर कंक्लूजन की अगर बात करें तो एक्सपेंशन लूप आर ए क्रिटिकल एलिमेंट इन द पाइपिंग सिस्टम, एक्सपेंशन लूप एक क्रिटिकल एलिमेंट है पाइपिंग सिस्टम के अंदर, इंश्योर द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द पाइप बाय एब्जॉर्बिंग द थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, द सिलेक्शन ऑफ 2D एंड 3D लूप साइजिंग एंड प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम एंड एस्पेक्ट अवेलेबिलिटी, मतलब सिस्टम और उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है उसका इंटरनली क्या है, और लूप का साइज उसका शेप सब कुछ इंटरनली लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब।